हेलो दोस्तों, वेलकम टू गैरेज ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 नेक्स्ट जनरेशन कार जो मारुति की तरफ से आने वाली है अगले साल तक, या फिर इस साल भी कुछ लॉन्चेस हो जाएंगे। तो ये पांचों गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी गाड़ियाँ हैं एंड उसका नेक्स्ट जनरेशन कब तक आ सकता है, इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं बनाता हूँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंटेंट फॉर यू गाइज ओनली। अगर आपको कोई भी कार या बाइक खरीदने में कोई भी दिक्कत होगी, आपको कुछ भी पूछना होगा कि कौन सी गाड़ी में खरीदूँ या कौन सी बाइक में खरीदूँ, उसके लिए एक कंसल्टेंसी सर्विस मैंने स्टार्ट किया है। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, जाइए फिलअप कीजिए। आप मुझसे अगर कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हो या फिर वीडियो कॉल पे अगर इंटरेस्टेड है तो ही कनेक्ट कीजिए। ये एक पेड कॉलिंग सर्विस है जहाँ पे बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपसे मैं ले रहा हूँ। चलिए फिर बात करते हैं ये पांच गाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले टॉप लिस्ट पे आती है मारुति की अल्टो, एक ऐसी गाड़ी जो दो डिकेड से इंडियन मार्केट में बिकती आई है और अब तक 40 लाख के ऊपर ये गाड़ियाँ बिक चुकी है इंडियन मार्केट में और ये सेल्स नंबर हमेशा तोड़ती है और वन ऑफ द ऐसा प्रोडक्ट जो हमेशा टॉप 10 में बरकरार रहता है। मुझे नहीं पता क्यों ये गाड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी भी इसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया है, स्टिल इसका डिमांड बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और इसमें CNG भी ऑफर किया जाता है 800 CC के इंजन में। इसमें 1 लीटर का जो K10 में आता था वो डिसकंटिन्यू किया गया है। अभी हाल में इसमें सिर्फ 800 CC का ही इंजन मिलता है जो 3 सिलेंडर के साथ में आता है, जो अभी भी सेल हो रहा है। और जो मारुति की ट्रस्ट फैक्टर है, जो सर्विस नेटवर्क है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर एक ऐसी फैमिली जिसके पास बजट ही नहीं है उतना, जो 4 लाख के आसपास में एक गाड़ी खरीदना चाहती है 4 व्हील की, तो उनके लिए मारुति अल्टो बहुत बढ़िया चॉइस हो जाती है। बट बहुत समय हो गया है दोस्तों, इसको कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया। हमने हाल ही में कुछ पिक्चर्स तो स्पॉट ज़रूर किए थे जो स्पाय हो रहे थे, बट ये अल्टो है कि नहीं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता हूँ। तो लगभग इस साल के एंड तक या फिर 2022 में आपको मारुति अल्टो का नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, इसे कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा उस पर सेम हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया जाएगा, थोड़ा पहले से लेंथ में हाइट विथ में बड़ा होने वाला है, जिस वजह से इंटीरियर स्पेस में आपको अच्छी खासी जगह देखने को मिलने वाली है। ये जो कुछ भी है ना, सिर्फ स्पेकुलेशंस है, बहुत सारे साइट्स पे पोर्टल्स पे कहा जा रहा है, ये सारे न्यूज़ आ रही है। तो हम आपको यही बता सकते हैं कि हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा, 800 CC का इंजन कंटिन्यू रहेगा, इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ 1 लीटर का भी इंजन इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसे बहुत ही बेस सेगमेंट में उतारा जाएगा। 3.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में ही ये गाड़ियों के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स के साथ मिलने वाले हैं। टॉप एंड मॉडल में आपको अलॉय व्हील्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS+ ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स भी आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं इन टॉप एंड वेरिएंट। अगर नेक्स्ट जनरेशन आती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको मिलने वाला है इस नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में। आप कितने एक्साइटेड हो इस प्रोडक्ट के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अल्टो के लिए, क्योंकि मैंने ये गाड़ी बहुत चलाई हुई है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। 800 CC के इंजन के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया और सिटी के लिए तो बहुत ही शानदार है। एक छोटी सी गाड़ी है, छोटी फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी बन सकती है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, उसको मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेडीज भी आसानी से चला सकते हैं। चलिए अभी सेकंड गाड़ी के बारे में बात करूंगा, तो वो है मारुति की सिलेरियो, जिसका लॉन्च बहुत ही जल्दी होने वाला था आने वाले 2-3 महीनों में, बट कोविड की वजह से हर एक चीज़ें पोस्टपोन हो गई है। मारुति सिलेरियो को एक नेक्स्ट जनरेशन अपडेट मिलने वाला है जिसमें इसका डिजाइन जो करंट जनरेशन मिलती है उससे पूरी तरीके से अलग होगा। एक बिगर अल्टो का डिजाइन इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप स्पाई पिक्चर्स देख सकते हो। इसमें आपको 1 लीटर का इंजन कंटिन्यू किया जाएगा विद CNG ऑल्सो, साथ ही साथ 1.2 लीटर का इंजन भी इसमें देखने को मिलने वाला है। इसका अभी डिजाइन पहले वाला जो अभी करंट जनरेशन सिलेरियो बिकती है उसका डिजाइन थोड़ा बहुत टॉल बॉय टाइप है, इसमें वो नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा हाइट में कम होगी, व्हील बेस शायद से बड़ा हो सकता है, इंटीरियर स्पेस अच्छा होने वाला है, डिज़ाइन ही नया होगा, फीचर्स सारे देखने को मिलेंगे। तो सिलेरियो बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है और स्पेशली CNG में काफ़ी ज़्यादा बिकती है, तो यहाँ पे सिलेरियो भी आपको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। कोविड अभी मुंबई में तो लगभग
30 तारीख तक एक्सटेंड हो गया है, बट अब देखा जाएगा तो आने वाले 2 से 3 महीनों में अगर ये नॉर्मल होते हैं सिचुएशन तब इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि अभी सारे गाड़ियों के लॉन्चेस पोस्टपोन्ड ही कर दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। नेक्स्ट गाड़ी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मारुति विटारा ब्रेजा नेक्स्ट जनरेशन, जिसके स्पेकुलेशन बहुत समय से आ रहा है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, यहाँ पर जाके चेक कीजिए पूरा वीडियो। तो भी मैं बेसिकली बता दूँ नेक्स्ट जनरेशन जो होने वाला है बहुत ही बढ़िया फुल फीचर लोडेड होने वाला है, बहुत सारे फीचर्स के साथ में आने वाला है, और जो अभी की करंट जनरेशन ब्रेजा बिकती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन होगी। प्राइस में भी ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होगी, एक ऐसे अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च किया जाएगा जहाँ पे ये दूसरे कॉम्पिटिटर को टक्कर दे सकती है, लाइक किया सोनेट, ह्यूंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, क्योंकि ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पे आपको इतने फीचर्स तो नहीं मिलते बट जो प्राइस पॉइंट पे बिकती है कॉम्पैक्ट एसयूवी में हमेशा टॉप नंबर पे रहती है ये गाड़ी। अभी भी इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छे से काम कर देते हैं, और अभी भी इसके सेल्स नंबर इसके फिगर्स को जस्टिस कर देते हैं। बट इसका नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, ये साल के एंड तक या फिर 2022 में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ब्रेजा के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट गाड़ी जो है तो बहुत समय से इसका लोग बात ही कर रहे हैं, मारुति जिम्नी, जिस पर हमने बहुत डिटेल वीडियो इस पर भी बनाया हुआ है। 3-डोर जिम्नी तो इंडिया में डेवलप की ही जा रही थी, मैन्युफैक्चर करके उसे फॉरेन कंट्रीज के लिए सेल भी किया जा रहा है, बट मारुति का कहना है कि इंडिया में अगर वो आएंगे जिम्नी को लेके तो 5-डोर वर्जन के साथ में ही आएंगे। और करंटली अभी हमने थोड़े ही दिनों पहले इसका एक पिक्चर शॉट में हमने देखा था जहां पे 5-डोर वर्जन को दिखाया गया था, तो इस पर टेस्टिंग चालू है। और अभी तक मारुति का ये भी कहना है कि बहुत जल्दी डीजल इंजन भी लेके आएंगे इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर सेल्स फिगर्स, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल में तो अच्छे सेल्स आ ही रहे, डीजल आने के बाद में बहुत ही मजा आने वाला है। जिम्नी 5-डोर इंडियन मार्केट में आएगी जो कड़क टक्कर देने वाली है महिंद्रा थार को, एंड इफ यू आस्क मी ये आई थिंक उससे सस्ती होगी महिंद्रा थार से, माइलेज भी अच्छी देगी क्योंकि मारुति के इंजन यूजुअली अच्छी माइलेज देते हैं, परफॉर्मेंस मेंटेनेंस भी सस्ता होता है, और एक मारुति का ट्रस्ट फैक्टर तो हमेशा बना ही हुआ रहता है। जिम्नी इज गोइंग टू बी ऑफ रोड व्हीकल, इसमें 4x2 एंड 4x4 दोनों ऑप्शन आई थिंक देखने को मिलेंगे, जिनका बजट लो होगा वो 4x2 के लिए जा सकते हैं, एंड 4x4 फॉर द ऑफ रोड जिनको लेकर जाना होगा उनके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। और लास्ट एक प्रोडक्ट जो है वो है मारुति एस क्रॉस के बारे में, जो टोयोटा और मारुति मिलकर इसके नेक्स्ट जनरेशन पे काम करेंगे 2022 के एंड तक या 2023 तक ये आ सकता है, जल्द नहीं आने वाला, बट इसका भी नेक्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, सारे फीचर्स अपडेट कर दिए जाएंगे, डिज़ाइन में ट्विकिंग कर दी जाएगी। अभी इसके कोई भी स्पेकुलेशन या मारुति की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट ये सही टाइम हो गया है कि मारुति एस क्रॉस को भी एक अपडेट मिले जो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट जरूर बनाया है, बट यहाँ पे आपको क्विक न्यूज़ देने की मैं कोशिश कर रहा था, जिस वजह से आपको जो कुछ भी डाउट्स हो इन मारुति के प्रोडक्ट्स पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये थे 5 प्रोडक्ट फ्रॉम द मारुति, ये 5ों में से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इफ़ यू आस्क मी मुझे ऑल्टो बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड सेकेंड इज़ द ब्रेजा, ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, वीडियो खत्म करने के पहले आप अगर मुझसे कॉल पे या वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना चाह रहे हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बाइंग एनी कार, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए कौन सा वेरिएंट खरीदूँ, एक पेड कॉलिंग सर्विस मैंने स्टार्ट की है, डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए, मैं आपसे कॉल बैक करके कनेक्ट करूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, टेक केयर दोस्तों, ड्राइव सेफ़।